नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लीची वाली पानी वाली कुल्फ़ी बनाना बताऊंगा, जिसे आइस लोली, कैंडी, पॉप्सिकल, जो बोलना है बोल लो। ये है 10 लीटर पानी, नल वाला पानी है, आप आरओ वाला पानी, साफ़ होना चाहिए, कोई भी पानी ले सकते हो। और 10 लीटर पानी के अंदर ये देख लो, मैं 2.5 kg चीनी डाल रहा हूँ, 2 kg 500 g चीनी डाल रहा हूँ। और चीनी डालने के बाद क्या करना मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। ये देख लो, मैं नाप के डाल रहा हूँ 2.5 kg चीनी डालने के बाद। इस कंपनी का मैं देखो लीची अमल्शन यूज़ कर रहा हूँ। अमल्शन हर वीडियो में बताता हूँ, उसे कहते हैं जिस प्रोडक्ट के अंदर फ्लेवर और कलर दोनों हो, एक ही प्रोडक्ट हो उसके अंदर कलर और फ्लेवर हो, उसे अमल्शन कहते हैं। ये देख लो, मैं 5 ढक्कन डाल रहा हूँ 10 लीटर में। इस कंपनी का मैंने पिछली वीडियो में जो मैंगो यूज़ किया था वो इतना अच्छा नहीं था, पर ये लीची का अच्छा है, और ना बेकार है ना बहुत बढ़िया है, एकदम एवरेज में है, अच्छा है। ये आप डाल सकते हो, और 5 ढक्कन डालने हैं। तो ये नहीं कि सारे इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट अच्छे और बेकार हो सकते हैं, कोई अच्छा भी हो सकता है, कोई बेकार भी हो सकता है। इसे अच्छी तरह से मिलाएं। मिलाने के बाद ये देख लो, फिर डालना है सैट्रिक एसिड 20 ग्राम। सैट्रिक एसिड खट्टा होता है, इसे नींबू सत भी कहते हैं। और इस कंपनी का आप डाल सकते हो एसेंस, ये एसेंस बहुत बढ़िया है। अगर किसी के पास लीची अमल्शन नहीं है, वो खाली एसेंस भी डाल सकता है। ये देखो, मैंने 1 ढक्कन डाला है, यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, इसको 1/2 ढक्कन बहुत है, 1 ढक्कन से बहुत ज़्यादा तेज स्मेल हो जाती है, जो दिमाग के ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए 1/2 ढक्कन डालोगे 10 लीटर पानी में एसेंस, इस कंपनी का बहुत बढ़िया है एसेंस। और ये सब मिलाने के बाद, अच्छी तरह मिक्स होने के बाद, अब मैं छान रहा हूँ, ये पानी को छान के इस मोल्ड के अंदर जा रहा है, और ये मोल्ड को हम आइस कैंडी वाली मशीन में लगाएंगे और इसको जमने के लिए छोड़ेंगे। और मैं बता देता हूँ कि अगर ना मिले आपको लीची का अमल्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाली वो एसेंस से भी बहुत, 1/2 ढक्कन एसेंस डालना और अमल्शन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने बढ़िया स्मेल आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि वाइट कलर कैसे करेंगे, वाइट कलर ऐसे करेंगे कि जब बैच फ्रीज़र में से दूध को थोड़ा फुला लो 1 लीटर या 2 लीटर, तो उस फुले हुए दूध को इस पानी में डाल सकते हो, तो वाइट कलर हो जाएगा आपका। अगर वाइट कलर में नहीं बनानी तो आप पिंक कलर में, रेड कलर हल्का सा लगाएंगे तो पिंक कलर बन जाएगा, उससे वो भी डाल के बना सकते हो। ये देख लो, मोल्ड में पानी में लगा रहा हूँ ना, आइस कैंडी वाले पानी में। कई लोगों का सोचना है कि ये पानी कहीं मार्केट में मिलता है तो मैं वहाँ से खरीद कर इसको जमा सकता हूँ, भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये मार्केट में मिलने वाला पानी नहीं है, ये नल वाला पानी है और इसके अंदर नमक होता है, और नमक और नल वाला पानी से कूलिंग नहीं हो जाती। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं कि ये वाला पानी हम ले आएंगे मार्केट से तो इसमें हम घर पे जम जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस जो ये मशीन है ना, इसके चारों तरफ तांबे की 600 फुट पाइप है, उस पाइप के अंदर 22 नंबर कूलिंग गैस आती है। जब कूलिंग कंप्रेशर ऑन होता है तो क्या होता है कि इस 600 फुट पाइप में गैस घूमती रहती है और ठंडी होती रहती है पाइपें, 600 फुट पाइप ठंडी होती है, एक्सट्रीम ठंडी हो जाती है, जिससे इसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर माइनस में चल जाता है। और नमक डालने का कारण ये है कि जब पानी के अंदर नमक होगा पूरी मात्रा में तो पानी को जमने नहीं देगा, अगर पानी में नमक नहीं डालोगे तो ये पूरा पत्थर की तरह जम जाएगा। और ये देखो, हमारे 4 मोल्ड मैंने जो लगाए थे, आपको जो नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आए हैं, वो 5 मिनट में 4 मोल्ड जम जाते हैं, और 1 मोल्ड में 45 कुल्फियाँ होती हैं। देख लो, 45 × 4 5 मिनट में जम जाते हैं, यही है कारण। और ये देख लो कितनी बढ़िया लीची वाली कुल्फी निकली है हमारी, ये हम 5 रुपये में सेल करते हैं, और इसका ML होगा 30 से 35 ML, 40 ML का सांचा,
इसको कम भरते हैं 30 या 35 ml रह जाती है, पूरा मोल्ड ऊपर तक नहीं भरते। और ये देख लो आप, इसकी सॉफ्टनेस देखो कितनी बढ़िया है, एकदम आराम से टूट रही है। ये नहीं कि मैं अभी, ये ताज़ी है, अभी अभी बनी है, तो आपको बाद में फिर मैं चेक करवाऊंगा। ये देख लो, हम इसके बाद निकालने के बाद क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं ताकि इसकी चमक बरकरार रहे। अगर पैकिंग नहीं करेंगे तो मोल्ड जब हम पानी में डाल के कुल्फियों को निकालते हैं ना, तो कुल्फियाँ थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो जाती हैं। अगर ये देखो ऐसे हम छोड़ देते हैं ना, तो आपस में चिपक जाएंगी। अगर हम टोकरी में निकाल कर डीप फ्रीज़र में रख देंगे तो इतनी हार्ड जम जाएंगी ना ये, तो छुड़ाने में टूट जाती है और इनकी शेप ख़राब हो जाती है और इनकी जो चमक है वो भी इतनी बढ़िया नहीं रह जाती है। इसलिए हम पैकिंग कर देते हैं और साथ में ही डीप फ्रीज़र के अंदर लगा देते हैं। ये देख लो आप, पैकिंग करने के बाद उसी समय पैक करते हैं, उसी समय ही पैक करने के बाद डीप फ्रीज़र के अंदर, जब एकदम ये इसको फिर हम ये जब चिल्ड हो जाएंगी जैसे 1 या 2 दिन, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बढ़िया टेक्सचर आता है कि नहीं आता। ये नहीं कि मैं पहले दिखा दिया तो बाद में नहीं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। अब ये देख लो, ये 2 दिन के बाद मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ। ये देख लो आप, देख लो अलग अलग तरह के रैपर हैं, लीची का कुछ ये वाले रैपर हैं, कुछ ये वाले रैपर हैं। ये देख लो, और जो ये है ना इसका, जैसे मैंने ताजे में दिखाया है, जमने के बाद भी 2 दिन के बाद भी ये इतनी ही स्मूथ रहेगी, एकदम इतनी ही सॉफ्ट। ये नहीं कि पहले मैंने सॉफ्ट दिखा दी बाद में जमने के बाद हार्ड हो जाए, ज़िंदगी में नहीं। इसमें स्क्रीन नहीं है जो हार्ड हो जाएगी। 2.5 kg चीनी है, चीनी हमेशा पानी के अंदर चीनी चल जाती है तो पानी को जमने नहीं देती है चीनी, इसलिए सॉफ्ट रहती है। ये देख लो, वैसे की वैसी चमक है इसके अंदर और वैसे के वैसे ही टूटेगी आराम से। ये नहीं कि इसको जोर लगाना पड़ेगा, ये देख लो, ये नहीं कि अगर हम इसके अंदर स्क्रीन डाल देंगे, आधी चीनी आधी स्क्रीन होगी, तो ये इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।